कठुआ गैंगरेप केस पर अभी राजनीति जारी, बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। बीजेपी ने पूछा कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कठुआ केस के आरोपियों के समर्थन में बयान दिया था, उन पर राहुल गांधी कब कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी ने पूछा कि रात में कैंडल मार्च करने वाले राहुल गांधी निर्भया कांड के वक्त चुप क्यों थे। कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर ने सफाई दी है कि उन्होंने कभी आरोपियों का समर्थन नहीं किया। हालांकि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीर का वो बयान सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि असली गुनहगार गिरफ्त से बाहर हैं। बीजेपी ने कहा कि आरोपियों के समर्थन करने वाले जम्मू बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के पोलिंग एजेंट रहे हैं, ऐसे में आजाद को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दलील दी कि बीजेपी ने दो मंत्रियों को हटाया है, कांग्रेस कब अपने नेताओं पर कार्रवाई करेगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विपक्ष चुनाव में सीधा मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए देश में कुछ दिनों से बीजेपी को बदनाम करने की साजिश हो रही है। हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि वो रात में कैंडल मार्च निकालते हैं लेकिन अपने प्रदेश अध्यक्ष पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। जो इसमें मुलवस लोग हैं उनको जबरदस्त सजा दी जानी चाहिए। और साथ में जब रिपोर्टर ने पूछा, हमने कहा आवाम को भी सेटिस्फाई करना सरकार का काम। ये दो महीने पहले की बात है। ये रिजाइन इस्तीफा कौन सी खेल खेल रहे हैं? ये क्या चूहे बिल्ली का खेल हो रहा है? आपने इस्तीफा दिला दिया क्या? इससे सब खत्म हो गया? मैं तो कहूंगी कि आप रेपीज के साथ थे।